Hey guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. I am Rahul. दोस्तों आज फिर मैं एक न्यू वीडियो के साथ, और स्टूडेंट तो पुराने ही हैं क्योंकि उनकी कई वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग वैसे समझ ही गए होंगे। और फाइनली मैडम आ चुकी हैं और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें रेडी करके कार को मूव कर दिया है। जान लेते हैं आज कितने डेज हो गए हैं और कहाँ से आती हैं और क्या नाम है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? प्रेरणा। ओके, कितने डेज हो गए आज आपको कार चलाते हुए? आज मैं चौथा दिन है। फोर्थ डेज है। ओके, अभी तक आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, अभी आप बड़े रास्तों पे लेके गई हैं गाड़ी को? जी। ओके, वहाँ पे कोई दिक्कत आई आपको चलाने में? नहीं आई? नहीं। तो आज इनको फोर्थ डे है और फोर्थ डे के अंदर इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ गियर तक इन्होंने कार को ड्राइव कर लिया है। और दोस्तों जो होता है सिंगल रोड होती है वहाँ पे चलाना थोड़ा टफ होता है। गियर चेंज कर लीजिए, इंजन वाइब्रेट कर रहा है। तो जो सिंगल रोड होता है, सिंगल रोड पे कार चलाना थोड़ा टफ होता है क्योंकि डिवाइडर नहीं होता है, सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं उनसे टकराने का थोड़ा ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि स्पीड अगर ज़्यादा है और आपको जजमेंट नहीं है कि हमारी कार कितनी जगह में निकल जाएगी तो कार टकरा सकती है। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकंड हैंड कार से रिलेटेड मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। और दूसरी चीज़ है कि मेरा एक न्यू चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी जाके विजिट कर लीजिएगा ताकि आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड उस पर भी वीडियो मिलती रहेंगी। आप मेरे से अगर बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं राहुल मित्तल के नाम से, उस पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। कोई भी डाउट्स हैं, चाहे वो सेकेंड हैंड कार को आपको परचेज़ करना है या चाहे मैकेनिकल वर्क है जो कि आपको आइडिया नहीं है क्योंकि आजकल वर्कशॉप पे बहुत सारे झूल चलते हैं, या फिर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ भी मेरे से बात करनी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे FB पे भी फॉलो कर सकते हैं, राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से मेरा पेज बना हुआ है। और दोस्तों ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी दिक्कत है, हल्का राइट रखो, राइट 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 बोला मैंने, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, कुछ लोग बीच में स्किप कर देते हैं तो आधी अधूरी जानकारी समझ में नहीं आ पाएगी। अभी प्रेरणा जी ने सीट बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें सेट करके और अपनी कार निकाल दी। फाइनली हम लोग चानन रोड पे हैं और ये सिंगल रोड है और बहुत ही ज़्यादा बिजी रोड है हम लेफ्ट में देखते हैं, क्योंकि सिंगल रोड पे ये आइडिया नहीं लग पाता है कि हमारे लेफ्ट में कितना स्पेस है राइट में, क्योंकि बीच में जो कुछ लोग सामने से जो आते हैं वो इतना फास्ट आते हैं कि अंदाज़ा जब तक के लग पाता है तब तक की गाड़ी टकरा जाती है। ये बीच में जो वाइट लाइन बनी हुई है इससे आपको ऐसे इसको डिवाइडर लेना, जैसे सामने से देखिए स्विफ्ट आ रही, वो भी लर्नर ही है। और ये जो लेफ्ट वाला एरिया है वाइट लाइन से वो अपना है, राइट वाला अपोजिट का है सामने से जो गाड़ी आएंगी। अब लेफ्ट में पोल है, अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि आपकी कार से और पोल के बीच में कितना डिस्टेंस है। सामने जैसे देखिए ई रिक्शा खड़ा हुआ है, तो इस तरीके से लेफ्ट में आप अंदाज़ा ले सकते हैं वो साइड मिरर से या इस पिलर से या फिर रॉड लगाए जो बोनट पे यहाँ से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेफ्ट का जजमेंट है। राइट में तो आप बैठे हो, राइट में अगर आप नहीं भी देखते हो तो भी चलेगा, लेकिन लेफ्ट के लिए ज़रूरी है। कितना सट गया था अभी, याद आया कल का कुछ? यही टर्निंग था ना यहाँ पे, जो सामने से गाड़ी अचानक लेके आ गया था। ये जैसे ब्लाइंड टर्न है, सामने का अंदाज़ा नहीं लग पाता। अगर सामने से कोई अचानक गाड़ी आ गई, वो तेज़ी से है, तो जो लोग फास्ट चलते हैं वो क्या करते हैं ना कि बीच में चलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा स्पीड मेंटेन कर लीजिए और जाने दीजिए। हाँ गुड, स्टीयरिंग पकड़ने का जो तरीका है एकदम सही है इनका, क्योंकि बहुत ही लाइटली पकड़ रखा है। कुछ लोग ग्रिप बना के पकड़ते हैं जैसे स्कूटी या बाइक चलाते हैं, उसमें क्या होता है स्टीयरिंग को कभी भी टाइट नहीं करना होता। स्टीयरिंग को जितना आप लाइट पकड़ोगे उतना ही आसानी से वो मूव हो पाएगी। अगर आपने उसको टाइट कर लिया तो स्टीयरिंग घुमाने की वजह से वो टाइट हो जाएगा डर की वजह से। हमेशा स्टीयरिंग को बहुत ही लाइट पकड़ना है, जितना हल्के हाथों से आप उसको यूज़ करोगे उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और पैरों को जो इस्तेमाल करने का तरीका है कि एक्सेलेटर टू ब्रेक, ब्रेक टू एक्सेलेटर, तो टो होना चाहिए जो आपका अंगूठे वाला पोर्शन है। वैसे तो शूज़ में बहुत अच्छी ग्रिप बनती है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट को आइडिया ही नहीं लग पाता है कि
कि मतलब हमको कितना पैर दबाना है और कितना उसको रिलीज करना है। तो इसलिए स्टार्टिंग में 3 से 4 डेज में बगैर शूज बगैर स्लीपर के चलवाता हूँ, ताकि उसका जजमेंट आ जाए, पैंडल के फीलिंग आ जाए कि पैंडल क्या है और कितना हमको यूज करना है। आगे अभी आपको लेफ्ट पे रोकना है, मयूर कॉम्प्लेक्स पे सिग्नल दीजिए लेफ्ट का, गुड। राइट वाला लेग ब्रेक पे लेके आऊँ, हाँ, और लेफ्ट आओ जो मैडम है, इनको क्रॉस करके फिर लेफ्ट में रोकना, और लेफ्ट आओ थोड़ा, और लेफ्ट वाली साइड मिरर में देखो कोई गाड़ी तो नहीं, और लेफ्ट आओ थोड़ा, लेफ्ट और लेफ्ट, हाँ बस अब फुल क्लच दबाओ थोड़ा आगे जाके, हाँ, और धीरे से ब्रेक, गुड। अभी स्टीयरिंग सीधा करो, हमेशा गाड़ी रोकते टाइम स्टीयरिंग 3 और 9 पे, ठीक है। अभी इसको न्यूट्रल करो, वेलकम न्यूट्रल, ये थर्ड गियर डाल दिया आपने, हाँ। अभी वापस राइट का सिग्नल दो, गुड। अब फर्स्ट गियर में करो इसको, चलो अभी पहले ब्रेक को रिलीज करो, ब्रेक को हाँ, ब्रेक छोड़ो धीरे धीरे, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो। अगर ब्रेक दबा रहता, क्योंकि पावर ब्रेक होता है ना, अगर ब्रेक दबा होता और क्लच आप छोड़ देते तो गाड़ी आपकी झटके मार के बंद हो जाती, जैसे कि अभी बंद हो गई है। वापस इंजन ऑन करो क्लच दबा के, किसी भी गियर में कार अगर आपकी बंद हो जाती तो आप क्लच दबा के इंजन को ऑन कर सकते हो। जाओ थोड़ा सा एक्सेलेटर लेके जाओ, धीरे धीरे जाओ 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 जाओ, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो लेफ्ट में वाइट लाइन दिख रही ना, ये ऐसे समझ लो इससे नीचे नहीं उतरना है आपको, ठीक है। चलो स्पीड बढ़ा लो, गुड, क्लच दबा के सेकंड गियर कर लो, घबराया मत करो, आप थोड़ा सा पैनिक हो जाती हो, गियर नहीं लगा है, चलो छोड़ो, पैनिक मत हुआ करो। जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती तो क्लच लेके ब्रेक ले लो, कभी भी कुछ भी ऐसा हो, कभी भी कुछ कोई अचानक आ जाए या गाड़ी नहीं संभल रही है, तो सबसे आसान है क्लच दबाओ और ब्रेक ले लो, बस आसानी से गाड़ी आपकी निकल जाएगी। अभी रिक्शे वाले को अभी ध्यान रखना है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, जब किसी को ओवरटेक करते हैं तो वो क्या करते हैं कि थोड़ी सी गाड़ी निकली उसके बाद यहाँ से राइट जाना है, सिग्नल दो राइट का, अपनी गाड़ी लेफ्ट ही रखो, जाने दो धीरे धीरे, राइट रखो, राइट राइट, बस निकल गई, घबराओ मत। और ये सब पॉइंट है ना, यहाँ पे लॉन्ग हॉर्न दिया करो, इसको गड्ढे को बीच में करो दोनों टायरों के, ये भी एक कॉन्फिडेंस है। कई बार क्या होता है ना कि ऐसे रोड हैं जहाँ पे रोड पतला है, 6-7 फीट का रोड है और बीच में सीवर का ढक्कन हटा हुआ है, फिर क्या करेंगे आप, कैसे निकालेंगे? दोनों टायरों के बीच में अगर उस पॉइंट को करके आप निकाल सकते हैं तो आसानी से कार आपकी निकल जाएगी। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करिए, हाँ, और स्पीड बढ़ाइए, राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ वापस, गुड, एक्सेलेटर पे ले जाओ, एक्सेलेटर पे ले जाओ, वापस बढ़ाओ, क्यों कंफ्यूज क्यों हो रही हो, हाँ इसमें एक्सेलेटर और ये है, कंफ्यूज क्यों हो रही हो, क्या कहते हैं बताओ, एक्सेलेटर और ये क्लच में कंफ्यूज आता है, एक्सेलेटर और क्लच में, ओके। एक्सेलेटर राइट वाले लेग से आपको इस्तेमाल करना है, एक्सेलेटर और ब्रेक, और लेफ्ट वाला जो पैर है वो क्लच के लिए रिजर्व है, ठीक है, जाने दो धीरे धीरे, गुड, वेरी गुड, स्पीड बढ़ा लो। एक इसमें पासिंग डिपर भी होता है, सामने से जो गाड़ियाँ आती है ना उनको डिपर मारने के लिए, उनको अलर्ट करने के लिए। ये देखो यहाँ पे ये है ना ये पॉइंट, ये इसको ऐसे करेंगे, ऐसे इसको ऊपर उठाओ, ऐसे करके इसको ऐसे? हाँ ऊपर उठाओ, ऊपर, वो तो सिग्नल हो गया, ऐसे इधर देखो, इधर ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, हाँ ऐसे, हाँ गुड, और एक बार उठाओ, हाँ ये जब आप ऊपर करते हो ना तो हेडलाइट ऑन हो जाती है आगे 1 सेकंड के लिए, राइट रखो, राइट 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 राइट, हाँ जाने दो, हल्का लेफ्ट आ जाओ, हाँ वो अपने आप ऑटो कट हो जाता है, ठीक है, हॉर्न गुड, जाने दो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो और लेफ्ट आओ, राइट रखो थोड़ा, और लेफ्ट आओ, हाँ आराम से, हाँ क्या कहा आपने अभी, सो रही है, हेलो गुड मॉर्निंग, हवा चल रही है ना, अच्छा जी, हमने तो देखा ही नहीं कि आज काजल जी भी बैठी हैं, सच में, हाँ मैंने देखा ही नहीं आज इनको, मुझे लगा आज आप अकेले आए हो,
और आप देखा मैंने, नींद आ रही है आपको? अच्छा जी, एक तो 3 बजे सोएगी तो क्या, जल्दी उठना है ना, जल्दी सो, जब सुबह उठना है हम लोगों को तो। 3 बजे सोएगी मतलब पढ़ाई उड़ाई करती है? अरे पढ़ाई छोड़ चुकी है। पढ़ाई छोड़ दी? ओके। कल क्या कर रहे थे फिर बताओ, भूत वाली कहानी। अब आंटी के लिए लोग सोए नहीं है 3 बजे से। चलो कोई नहीं, बच्चे पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना वैसे ही होते हैं। गुड गुड गर्ल्स रील्स बनाती रहती है। अरे रात में स्पीड बढ़ा लो थोड़ा सा रील्स के लिए। अरे मम्मी से पूछ ली है एक बार, सुबह सुबह झूठ बोल रही है। ब्रेक पे पैर रखो, स्पीड ज़्यादा हो गई, जाने दो। चलो हल्का लेफ्ट आओ, स्पीड बढ़ाओ और लेफ्ट आओ, राइट रखो और राइट, हाँ गुड, जाने दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सामने ऑटो आ रहा है, राइट रखो अपनी गाड़ी, राइट, चलो जाओ, बढ़ा लो स्पीड, गुड। अगर आपको कार अभी लेफ्ट में रुकना है तो आप कैसे रोकेंगे, जरा रोक के दिखाएं, लेफ्ट का सिग्नल दो, ये स्टॉप करना है लेफ्ट में लाके, और देख लो लेफ्ट में कितना स्पेस है, पूरा क्लच दबाया आपने और उसके बाद ब्रेक लिया, स्टॉप करो, स्टॉप हो गई। अब ये गाड़ी कौन सी गियर में है? सेकंड गियर में। अब वापस इसको बढ़ाने के लिए कौन सा गियर डालेंगे आप? फर्स्ट गियर डालिए, गुड। अभी पहले क्या रिलीज करेंगी? ब्रेक, हाँ चलो ब्रेक छोड़ो पहले, गुड वेरी गुड। रोकने का तरीका ये था, राइट का सिग्नल दे दीजिए, गुड। तो गाइस आपने देखा प्रेरणा जी ने आज फिर बहुत ही अच्छी कार चलाई और आई होप बहुत जल्दी सीख जाएंगी और बहुत जल्दी अपनी कार ड्राइव करेंगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों को हंसाते रहिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? लाइक करें, गुड।